धामनोद में परम पूज्य श्री निर्मला देवी के जन्म 100 वर्ष पूरे होने पर संपूर्ण विश्व में उत्सव मनाया जा रहा है। श्री माता जी ने सहज योग एवं विश्व निर्मल धर्म की स्थापना वर्ष 1970 में की थी। विश्व के 120 से अधिक देशों में विश्व निर्मल धर्म स्थापित है। श्री माता जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक आध्यात्मिक चेतन रथ यात्रा पूरे देश में भ्रमण पर है। धामनोद महेश्वर चौराहे से हरिहर जिनिंग तक यात्रा निकली। बड़ी संख्या में महिलाओं ने जोरदार स्वागत किया। ढोल धमाकों के साथ जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। स्वागत में स्थानीय विधायक श्री पाचीलाल जी मेडा एवं धार जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार पुष्प वर्षा से स्वागत किया। आज आप जो गुरु माता जी के स्वागत के लिए खड़े हैं, इसके क्या उद्देश्य हैं इनकी मिशन के? इसका उद्देश्य ये है कि अपने जीवन को सफल बनाना है। घोर कलयुग है, यहाँ पे हमसे लाखों गलतियाँ होती हैं, लाखों परेशानियाँ हमारे जीवन में आती है। हम अनजाने में अंधेरे में तीर मार लेते हैं, किसी के भी शरणार्थी हो जाते हैं, ये कुगुरु वाले लक्षण होते हैं। लेकिन आत्म साक्षात्कार होने के बाद हमको सदगुरु की शरणार्थी मिल जाती है। हमारा मार्गदर्शन हमको हमारी गुरु माँ हमको मार्गदर्शन दे देती है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। अगर अनजाने में गलत हो भी जाती है तो श्री माँ हमको क्षमा करके हमको सही रास्ता दिखा देती है। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम मिलन जयश्वर। सर्वधर्म है।